बेस्ट न्यूज सच जरूरी है। नमस्कार, आप देख रहे हैं MNS न्यूज लाइव। खबरों की शुरुआत से पहले एक नजर आज की खास खबरों पर। MP में लीव इन पार्टनर ने काटी नाक, 15 से 18 साल के बच्चों को लगाई जाएगी वैक्सीन, 3 जनवरी से होगी शुरुआत। देखते हैं आप खबरें विस्तार से। मध्य प्रदेश के खंडवा में लीव इन रिलेशन में रहने वाले एक युवक ने महिला पर कुल्हाड़ी से हमला कर दिया। युवक ने शराब पार्टी के लिए महिला से रुपए मांगे थे, रुपए नहीं देने पर युवक ने महिला पर कुल्हाड़ी से वार कर उसकी नाक काट दी। 35 वर्षीय सोनू को घायल देख ग्रामीणों ने अस्पताल में भर्ती कराया। सोनू ने बताया 8 साल पहले उसके पति का देहांत हो गया था। वह 2 साल से प्रेमी लवकुश पटेल के साथ रह रही थी। लवकुश पटेल को शराब पार्टी करने की लत थी। शनिवार सुबह 9 बजे वह शराब पीकर घर आया। उसने मुझसे कहा कि मुझे पैसों की जरूरत है, पार्टी करना है। मैंने रुपए देने से मना कर दिया। इसके बाद हमारे बीच झगड़ा हो गया। लवकुश ने मारपीट शुरू कर दी। मैंने शोर मचाया, आसपास वालों से मदद मांगी। इसी बीच लवकुश ने कुल्हाड़ी से हमला कर दिया। कुल्हाड़ी के वार से मेरी नाक कट गई। पड़ोस में कैलाश समेत अन्य लोग बीच बचाव करने पहुंचे। उसके बाद उसे अस्पताल ले जाया गया। आए दिन वह जात पात को लेकर उसे गालियां देता था। सोनू के परिवार में एक बेटी व 2 बेटे हैं। उसने पुलिस से मांग की है कि लवकुश के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए। क्यों मारा? अगली खबर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश को संबोधित करते हुए ऐलान किया है कि देश में 15 से 18 साल के बच्चों को वैक्सीन लगाई जाएगी। इसकी शुरुआत 3 जनवरी से की जाएगी। नोजल और DNA वैक्सीन की भी जल्द शुरुआत की जा सकती है। साथ ही प्रधानमंत्री मोदी ने कहा है कि 10 जनवरी से प्रिकॉशंस डोज बुजुर्गों और फ्रंटलाइन हेल्थ वर्कर्स को लगाया जाएगा। आपको बता दें कि DGCI ने बच्चों की वैक्सीन के लिए प्रधानमंत्री के संबोधन के पहले ही इमरजेंसी मंजूरी दे दी थी। इसी के साथ देश दुनिया की तमाम खबरों के साथ जुड़े रहने के लिए देखते रहे MNS न्यूज लाइव। नमस्कार। ये है MNS न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं MNS न्यूज।